प्यार परी सत श्री अकाल। अज आप पढ़ांगे कर्नल नरेंद्र पाल सिंह। नाम दे अगे कर्नल लग्या होया भाई। फौज वच सन कर्नल नरेंद्र पाल सिंह, फौज विच ओहदा होंदा है, सब नू पता ही है। नावलकार, लेखक, पत्रकार दे तौर ते कर्नल साहब जाने जाते हैं। इन्हां दे नावल ने जो वो इस प्रकार ने, मला, शक्ति, प्रियादाल, अमन देरा, एक रा, एक पड़ा, सेनापति, 39 वरे, खिनेओ तीखी, अगला नावल वालो निकी, एत मार्ग जाना। खिनेओ तीखी, वालो निकी, एत मार्ग जाना, ये एक प्रसिद्ध पंक्ति है भाई। खनियो तीखी, वालो निकी, ये तो मार्ग जाना, उस मार्ग दे परमात्मा दे जाना है जिड़ी खनियो तीखी है और बाल तो भी निकी है और बहुत ही तीखी है। खनियो तीखी, वालो निकी, ये तो मार्ग जाना। फिर एक सरदार बाजू, और तो बाद बा मुलायजा होशियार, सूत्रधार, पुनिया के मसया, टापू वी केंद्रित, चानण खड़ा किनारे। आ कर्नल साहब दे नावल सन, इतिहासक ते समाजक नावल इस बंदे ने लिखे है। नाम तो ही जिवें आपां नूं पता लग रहा है, खनियो तीखी, वालो निकी, एत मार्ग जाना, एक सरकार वाजो। ते इत्थों आपां नूं ना तो ही पता लग गया बई कि ये इतिहासक नावल लिखे है। फिर समाजक नावल जिवें शक्ति, प्रियाजाल, इस तरीके दे। ते इतिहासक ते समाजक नावल लिखण वाला नावलकार है। दूजी गल, जिहड़े इहदे खनियो तीखी, वालो निकी, एत मार्ग जाना और एक सरकार वाजो बई, एक सरकार वाजो, इत्थे भी सरकार है, एक सरकार वाजो च इन्ना जड़े आ जड़े नावल ने, खनेहो तीखी, वालो निकी, एत मार्ग जाना, एक सरकार वाजो, इस विच की है मुगल राज दे अंत तो लैके सिख राज दे पतन तक दे समय दा चित्रण है। नाम तो ही पता लग रहा है, और इस विच आपां नूं नाम तो ही पहली गल तां पता लग जाएगा, क्योंकि नाम दे नाल उस नाम नूं आपां समझणा ये बड़ा जरूरी है, ताकि एक सटीक जा अंदाजा अपना लगे, और जदों भी नावल दा नाम अपने सामने आवे तां आपां नूं उहदी जिहड़ी स्टोरी है, उहदी जिहड़ी थीम है, उहदे बारे पता लग जाना चाहीदा है। खिनेहो तीखी, वालो निकी, एत मार्ग जाना, इक सरकार बाजो, इस विच की है मुगल राज दा अंत हो गया। फिर सिख राज आया, और सिख राज दे पतन तक दा जो समा है उसका कलात्मक चित्रण इन्हां नावलों विच कीता गया है। अगे जड़े नावल ने, मला, सेनापति, 39 वरे, इन्हां नावलों राही इसने की किया, जो सिख इतिहास दीयां सिमरतियां पिठभूमि च रखे। इन्हां नावलों के अंदर इस तो पहला जड़े नावलों का आपां जिक्र किया है, खिनेओ तीखी, वालो निकी, एत मार्ग जाना, एक सरकार बाजो, इन्हां नावलों के अंदर सिख इतिहास है वह फ्रंट के उत्ते है। परंतु जेडे दूजे नावल ने, मला, सेनापति, 39 वरे, इन्हां दे विच जेड़ा सिख इतिहास है वह पिठभूमि के अंदर है। उनदियां सिमरतियां ने जो वह पिठभूमि के अंदर रखिया गई ने, और समकाली गिरावट न उपर चकना चाहता है। जी समकाली उस समय की जी गिरावट है उसनों उपर चक्कर के आखिर विच लग्या होया है भाई कर्नल नरेंद्र पाल सिंह। होर अगले जड़े नावल ने समाजिक समस्या नूं लैके, समाजिक नावल जे इहदे कह लईए, समाजिक समस्या नूं लैके जड़े उहने नावल लिखे ने, उहने एक राह, एक पड़ा, अमन दे राह, राह राह ते आ गया भाई।
एक रा एक पड़ा अमन देरा, फिर उस तो बाद शक्ति ते त्रिया जाल। शक्ति शब्द भी नारी लिए होता है और त्रिया जाल है वो भी नारी तो संबंधित विशेषण है बई। ते समाजिक जड़े नावल ने उन्हां विच आपां जड़ी गल कीती है समाजिक नावलां दे अंदर है एक राह दी गल कीती है, एक राह एक पड़ा अमन देरा, फिर उस तो बाद नारी शक्ति दी गल कीती है तां शक्ति ते त्रिया जाल ये जड़े ने समाजिक नावल ने। विशा एंदे नावलां दा जो विशा है देखो इत्थे पहला भी दस्या इतिहासक ते समाजिक नावल ने लिखे है, आपां नावलों के नाम भी पढ़े उन्हां विचों आपां नूं पता लग गया कि इतिहासक ते समाजिक नावल लिखण वाला नावलकार है। एक तो इहदे नावलों का विषय है जो वो इतिहासक ते समाजिक है। उस तो बाद अगर आपां गल करिए अगे सिख इतिहास, सिख इतिहास कई नावलों की अगर भूमि च है और कई नावलों की पिठ भूमि दे विच है। प्यार रोमांस ते मनोविज्ञान, मनोविज्ञान भी छूया है ने मनोविज्ञानिक विषय में भी, और जिनसी खुल बारे जिनसी संबंधा दे खुल है उस बारे भी दसया गया है भाई। हुण उस तो बाद इंदा जेड़ा नावल है शक्ति उस दी आपां गल करदे हां भाई। आ रहा भाई डस्टर जेड़ा शक्ति नावल है जिवें देखो नाम तो ही आपां नूं पता लग रिहा शक्ति इत्थे कैड़ी शक्ति की गल कीती है, नारी शक्ति, नारी शक्ति की गल कीती है बई। शक्ति दे अंदर क्रिया जाल ये भी नारी तो संबंधित विशेषण है, इस विच भी नारी दे बारे दसिया गया है। तो हुण आपां पहला नावल जिहड़ा शक्ति है उस बारे तुहानू दसिया है बई कि शक्ति नावल दे अंदर औरत नू वड्डी शक्ति दसिया है। जड़ी औरत है वो वड्डी शक्ति है बई। हुण उस तो अगले नावल की गल करिए टापू। हुण तुसी टापू वेखे भी होने है बई। टापू किस जगह नू कहिंदे है, वो जगह जड़ी चारों तरफों पानी तो घिरी होवे और उस नूं टापू कहा जाता है। तो टापू इसी प्रकार की एक जो टापू है वह प्रतीक है वरत्या है। टापू गुरमोहन जड़ा नायक है उसकी पात्र उसारी चुप राही की है, क्योंकि टापू भी की होंगे कि एक पासे आराम नाल चुप चाप रहा है भाई। तो इस कारण कर्नल इसनों अनावल भी कहता है भाई, अनावल नहीं अनावल है। इस विच दस्या टापू अध्यात्मक केंद्र तो टुट के भटकदा व्यक्ति है उस दा वर्णन इस दे अंदर किया गया है। लो जी टापू बारे पात्र का गुरमोहन है और अध्यात्मकता तो टुट के, अध्यात्मकता शब्द को वापस लिया क्योंकि सिख इतिहास नाल संबंधित है और उस बारे इन्हें गल किया है। तो इस टापू के अंदर की गल की, अध्यात्मकता तो टुट के इकलापन पाई। तो टापू भी कला रह जाए रह गया कली थान पर होंगे चुपचाप, संत गुरमोहन भी है संत रहा है चुपचाप रहा है। और उस तो बाद जे गल करिए अध्यात्मक केंद्र तो टुट के पटकदा जीव है उसका वर्णन इस विच कीता गया है। नाम तो ही आपां नूं पता चल गया कि इहदी कहानी की होवेगी। अगला नावल बा मुलायजा होशियार, मतलब होशियार रहने की लोड़ है। अरे किस चीज़ तो होशियार रहने की लोड़ है, इस विच नावलकार की दस रहा है। बा मुलायजा होशियार समलैंगिकता की समस्या जिहड़ी है उस तो संबंधित है। जीवन लक्ष्य तो टुट के काम की पनाह से जाता है जेड़ा बंदा, ड्रग्स की पनाह दे विच जाता है उसकी पेशकारी है इस नावल दे अंदर कीती है। समस्यावां भाई बा मुलायजा
होशियार होशियार रहना भाई, अपन होशियार है किस चीज रहना है, एकता इस विच केड़ी है समस्या में, समलैंगिकता, समलिंगकता दी समस्या, और दूजी कि बंदा है जेड़ा जीवन लक्ष्य तो टूट के काम ते ड्रग्स दी पनाह दी तरफ जा रहे है भाई, काम ते ड्रग्स दी पनाह दे अंदर जा रहा है, बा मुलाइजा होशियार दे अंदर। कर्नल अपने नावला दी उनकी खासियत है, कर्नल दे करनल अपने नावला सिख इतिहास के समकाली समाजिक स्थिति च संवाद पैदा करता है और उन्हां समकाली स्थितियां और सिख इतिहास के संवाद के विच वह जिहड़ी समकाली समस्यावां का हल है वह सिख इतिहास की परंपरा तो उसकी आदर्शक परंपरा तो हल पेश करता है। वैसे होना की चाहिए सी समकालियां जिहड़ी इनकी कमी रहेगी, कमी की रहेगी इन नावल च, इन नावल च जी मैन हैगी है पेशकारी की करता है जी तकाली समाजिक समस्यावां दा हल है वह जी सिख दा आदर्शवादी परंपरा है उस तो करना चाहता है, परंतु अगर वेख्या जाए तो होना की चाहिए सी, होना यह चाहिए सी कि समकाली समस्यावां दे हल की पेशकारी समकाल के अंदर ही करनी चाहिए सी, क्योंकि उत्थों ही आपां नूं एक सुचज्जा हल मिल सकता है, परंतु इन्हें जी पेशकारी की है समस्यावां लीती है, परंतु इतिहास है जो सिख इतिहास सिख परंपरा आदर्शवाद सिख आदर्श तो वह उन्होंने समस्यावां का हल है लभना चाहता है और उसकी सीमा भी आई है जी मैं तुहानू दसी है। उसने नावल ने जेडे आदर्श सिमरन की मनोरथ परखता की शिकार ने, क्योंकि वह करता की है पुरातन इतिहासक परंपरा तो समकाली समस्यावां दा हल करना चाहता है जेड़ा कि जचवां ते टुकवां नहीं जापदा। हुण भाई इस चीज़ नूं अगर समझ आ गया होवे तां ओके कर दो, नहीं तो फिर दोबारा मैं रिपीट कर देना, उस तो अगे चलिए क्योंकि ए एन दी पंच लाइन हैगी है, पंच लाइन है कर्नल दी। हरदर्शन सिंह की कहिंदा है, हरदर्शन सिंह कहिंदा है कि रोमांस की चाल है कर्नल दे नायकां दीआं असाधारण सफलता उत्ते चढ़ी हुई जापदी है, रोमांस की चाल। रोमांस की होंदा है वह मैं तुहानूं दस्सिया होया, प्रेम भी होएगा वीरता भी होएगी अति कथनी भी हो सकती है रोमांस के अंदर, एक फिल्म के अंदर पूरा रोमांच भरिया होंदा, कहिंदे आ बड़ी रोमांटिक फिल्म है, तुहानूं देख के बड़ा रोमांच आएगा, इस विच प्यार भी है इस विच कुटमार भी है लड़ाई भी है सब कुछ है अंदर, तो वह चीज़ा है रोमांस नाल संबंधित नहीं, कल्पना भी उसके अंदर होंदी है भाई। हुण अगे आपां गल करिए अमन दे राह, हुण अमन दे राह नावल दे नाम तो ही आपां नूं पता चल गया ठीक है जी। दोबारा दस दें कि इस दे बारे पहला अमन दे राह है जेड़ा उस दे उत्ते गल कर लेने हैं भाई। देखो नाम तो ही पता लग गया आपां नूं इसका की होना चाहिए, तू थोड़ा दिमाग के अंदर ही सोचो कि अमन दे राह दा की हो सकता है भाई, अमन माने शांति, शांति दे राह ते चलो, कहण दा भाव कि यह जेड़ा नावलकार है इस नावल के अंदर जेड़ी जंग की भयंकरता है उसनू पेश किया है और दसिया है कि अमन दे राह दे उत्ते आपां तुरना है, अमन दे राह दे उत्ते तुरिए शांति दे रास्ते दे तुरिए, लड़ाइयां दे विच कुछ भी नहीं पिया होया, इस विच ने ब्रह्मा तो लैके पछम पंजाब अणमंडे पंजाब तक की कहानी भी पेशकारी की है, इस विच प्रीत फलसफा भी इसके अंदर हैगा है भाई अमन दे राह नावल दे अंदर। कर्नल दे नावलां दी जिहड़ी खासियत है मैं तुहानूं दसदा, कर्नल दे नावल दे अंदर पहली गल तां इह होवेगी या तां सिख इतिहास फरंट ते है जिवें कि एक सरदार वजो एक सरकार वजो ठीक है, खनियो तिखी दूजा नावल वालो निकी तीजा एत मर्ग जाना एक सरकार वजो, इन्हां नावलों के अंदर सिख इतिहास है फरंट ते है, सिख इतिहास तो संबंधित ये नावल ने, परंतु बाकी जिहड़े नावल ने
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣੇ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਮਕਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਕਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਉਣਤਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਤਕਾਲੀ ਹੈ ਸਮਕਾਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋੜੇ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨਲ ਦੀ ਅਟੈਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਰਨਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਖੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਆ ਜਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਤ੍ਰਿਆ ਜਾਲ, ਤ੍ਰਿਆ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਿੱਤਰ ਨਾਰ ਦੇ ਚਲਿੱਤਰ, 365 ਚਲਿੱਤਰ, ਇਹ ਜੇ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਸੀ 2M ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਆ ਜਾਲ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਪਿਆ, ਕੀ ਰਾਂਦ ਪਈ, ਰਾਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਿਰਫ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਔਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਆ ਜਾਲ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਪੁੰਨਿਆ ਕੀ ਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ BED ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਹ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨਿਆ ਕੀ ਮੱਸਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੋ ਦੇਣਾ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਜੋੜ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਜੋੜ ਲਓ ਪਈ ਆ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਤਰਧਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਿੱਤਰਪਟ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਈ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਅਗਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਠਾ ਦੇਣੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ
विश्व पद्धर की शख्सियत बन जाता है भाई। और जी विश्व पद्धर दख्सीयत है उन्होंने दुनिया की है, वह तो अज अगले इंडिया च फिरी जाते हैं, कल चाइना च, परसों रूस च, उस तो अगले दिन जापान वगैरह इधर की शेयर करते अमरीका पहुँच गए विश्व पद्धर की। तो अजिहे एक पात्र की कहानी है जो साधारण पद्धर तो उठ के विश्व पद्धर तक बहुत वड्डी शख्सियत है वो बन जाता है भाई। और उन्हों विश्व है सुंगड़ा जापदा है, छोटा जा जापदा है। उन्हें की किया अपने नावलों के अंदर पात्रां दे द्वंद की पेशकारी की है। ओवरऑल अगर उन्हें वेख्या जाए नावलों के बारे तो उन्हें नावलों के अंदर पात्रां दे द्वंद की पेशकारी की है, सिख इतिहास की पेशकारी की है, राजपूत समाज का मध्यकाली इतिहास है जो उसकी गल की है। क्योंकि देखो सिख इतिहास की गल की है तो सिख इतिहास कितने का इतिहास है, मध्यकाली इतिहास है। जो मध्यकाल के इतिहास की गल की जाए तो मुगल के इतिहास की भी गल होगी, फिर उन्हों की गल होगी तो राजपूत समाज का जो इतिहास है, राजपूत समाज का यह मध्यकाली इतिहास है, इसकी भी गल होगी। अतीत प्रति उनकी खिच हैगी है, अतीत के प्रति सिख परंपरा के प्रति वो खिंचया होया जापदा है, रोमांस ते रोमांटिक अंश है वह भी उसनू खिंचते ने, कथारस सैनिक अनुभव की पेशकारी है वह भी उनके नावलों के अंदर है, क्योंकि वह करनल सीगा भाई, नाम ते ध्यान रखियो। और जोगिंदर राही है गल्फ आलोचक है भाई, जिहड़ा उसने कहा है कि इनके जिहड़े नावल है ना ये बाद दा पतंगड़ है और कुछ नहीं गा, बाल की खाल खिंची है इन्हें करनल ने, जोगिंदर राही दे विचार ने करनल साहब बारे, बस एवें इनके जिहड़े नावल ने एवें बाद दा पतंगड़ ने। हुण जे गल करिए उनकी जिहड़ी इतिहासक दृष्टि है, इतिहासक नावल ने जो वह भाई साहब भाई वीर सिंह तो प्रभावित है इतिहासक नावल, क्योंकि सिख इतिहास के उत्ते नावल जिन्हें लिखे है वह भाई साहब भाई वीर सिंह है, सुंदरी सतवंत विजय तनोद सिंह उनके नावल ने। तो उन्हां बारे सिख इतिहास के नावल है वह तो भाई साहब भाई वीर सिंह तो प्रभावित है, और दूजे नावल है उन च कथारस प्रधान है, और कथारस दा महान नावलकार कौन है भाई दसो भाई कमेंट करके। उनकी गलत दृष्टि है इतिहासक नावलों के विच, इतिहासक नावलों के अंदर तो वह प्रभावित है वीर सिंह तो। ठीक है जी, बिल्कुल सही, नानक सिंह इतिहासक नावल तो वीर सिंह तो प्रभावित है, और जेडे कथारस प्रधान उनके नावल है उस तो नानक सिंह तो प्रभावित है, क्योंकि नानक सिंह के नावल है ना बड़े कथारस है, पढ़ते पढ़ते बड़ा रस जानता है। और दार्शनिक नावल फिलोसफी की गल जिंदे बच्चे कीतियां ने, दार्शनिक नावल केड़े है पुनिया की मसिया वी केंद्रित ते टापू। देखो वी केंद्रित एक अजिहा केंद्र टापू वर्गा केंद्र जो अपने आप च वखरा है अलग है, वी केंद्रित टापू इन्हां च मसला की है, इसका मसला की है मनुख अपने सांझे विश्वास तो टुट जाता है, इकल्लापन महसूस करता है। एक तो नावल के ना पढ़न तो ही अपन अंदाजा होना चाहिए भाई इनका की कहते हैं कि इनके अंदर विचारां दी पेशकारी की गई है, उनके विच फिर आप किंतु परंतु डाउट नहीं जाना, यह ध्यान रखियो। ठीक है, लड़खड़ाउण दी जीवन धारा इकला ते तनहा जिवें कि टापू होंदा है वी केंद्रित होंदा है। ठीक है, ये दार्शनिक मसले दे विच उन्हें पेश कीते ने। हाँ, करनल साहब